घने कोहरे और धुंध की चादर पूरे उत्तर भारत पर छाई है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने लगी और उसे देखते हुए सीएम योगी ने रैन बसेरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की रात गोरखपुर के 3 रैन बसेरों में गए और वहां मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए, साफ सफाई का ख्याल रखते हुए गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। जिला प्रशासन को और नगर निकायों को भी इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं, रैन बसेरे को व्यवस्थित रूप से संचालित करें, इसमें स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें। 2 दिन के गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जहां पहुंचे हुए सभी फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से फरियादियों की समस्याओं को दूर करने को कहा। जनता दर्शन के बाद सीएम सीधे गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चना और गुड़ खिलाकर गौसेवा की। हालांकि कोई पहला मौका नहीं था जब सीएम योगी ने गौसेवा की हो। सीएम अक्सर गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में गायों को खिलाते हुए नजर आते हैं। वहीं आगरा में अफ्रीकन तोता इन दिनों सुर्खियों में है। विदेशी नस्ल के तोते ने थाने में अपने मालिकाना हक की लड़ाई को खुद ही समाप्त कर दिया। दरअसल पिंजरे में बंद इस अफ्रीकन तोते पर मालिकाना हक को लेकर लंबी लड़ाई चल रही थी। बालकेश्वर के रहने वाले अजय कुमार वर्मा और मुनेंद्र जैन के बीच तोते को लेकर विवाद चल रहा था। अजय कुमार वर्मा, जो कृषि विभाग से रिटायर हैं, उनको मुनेंद्र जैन ने मार्च 2018 में तोता ये कहते हुए दिया था कि वो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक एक हफ्ते पहले करीब 4.5 साल बीत जाने के बाद मुनेंद्र जैन अपना तोता वापस मांगने लगे। लगाव की वजह से अजय कुमार वर्मा का परिवार तोते को वापस देने पर तैयार नहीं था। ऐसे में मामला कमला नगर थाना अध्यक्ष तक पहुंचा तो थाना अध्यक्ष भी हैरत में पड़ गए कि आखिर तोता किसका है, ये कैसे साबित किया जाए। तभी तोते ने जोर से अजय कुमार की बेटी मुनमुन का नाम लिया। इसी आधार पर तय हो गया कि तोते को मुनमुन को सौंपा जाए, जो अजय कुमार वर्मा की बेटी है। पापा को तो लगा कि मैं कहाँ चलेगी। पापा ने उस टाइम आवाज़ दी, मुनमुन कहाँ है, तो उस टाइम ये भी बोला मुनमुन कहाँ हो, तो ऐसे करके पुलिस शॉक्ड हो गई, वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो गए। जाहिर एक झटके में तोते ने खुद ही साबित कर दिया कि किसके पास उसे रहना है। इस तरह तोते के विवाद की हैप्पी एंडिंग हुई। और प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहाँ चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बिहार शराब कांड में एबीपी न्यूज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। चिराग पासवान ने संसद में नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहाँ पर सबको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं, क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पटना पहुंच गई है, जो सारण में हुए जहरीली शराब कांड मामले में जांच करेगी। जदयू ने इस जांच पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद बिहार में शराब बनाने का खुला खेल अभी भी जारी है। तस्वीरें पटना से मात्र 30 किलोमीटर दूर भेटा की हैं, जहां अमनाबाद के दियारा क्षेत्र में सोन नदी के किनारे शराब की दर्जनों भट्टी चल रही हैं। जैसे ही एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, पहुंचने से पहले शराब बनाने वाले माफिया फरार हो गए। और तो और शराब की अभी भी होम डिलीवरी चल रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक छात्र के बैग से शराब की 25 से ज्यादा टेट्रा पैक पकड़ी है, जिसे हाजीपुर में डिलीवर किया जाना था। पुलिस ने डिलीवरी बॉय, जो कि खुद को छात्र बता रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।